राधा और उसकी सास कमला देवी एक ही छत के नीचे रहते थे, परंतु दोनों के बीच हमेशा किसी न किसी बात पर विवाद होता रहता था। राधा का पति मोहित हमेशा दोनों के बीच सुलह करवाने की कोशिश करता था, लेकिन अक्सर वह असफल ही रहता। राधा को लगता था कि उसकी सास हर बात में हस्तक्षेप करती हैं और कमला देवी को लगता था कि बहू उनका सम्मान नहीं करती। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि दोनों का झगड़ा खुलेआम हो गया। उस दिन रसोई में खाना बनाते समय कमला देवी ने राधा से कहा, तुम्हारी माँ ने सिखाया भी है कुछ? इतना भी नहीं पता कि मसालों का सही अनुपात कैसे होता है। ये बात सुनकर राधा का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसने जवाब दिया, माँ ने सब सिखाया है, लेकिन यहाँ आपकी रोक टोक के चलते कुछ कर ही नहीं सकती। इस बात पर दोनों के बीच चीख चीख कर बातें होने लगीं। कमला देवी ने राधा से कहा, तुम घर के काम में दिलचस्पी नहीं लेती और केवल बहाने बनाती हो। राधा ने पलटकर कहा, आपको तो मेरे हर काम में गलती निकालने की आदत है, चाहे वह सही हो या गलत। आवाज़ें इतनी तेज हो गई थी कि पड़ोसियों तक गूंजने लगीं। मोहित घर आया तो उसने दोनों को बहस करते देखा। वह बीच बचाव करने लगा, लेकिन उसकी कोई सुनने को तैयार नहीं था। सास और बहू के बीच गुस्सा इतना बढ़ गया कि घर का माहौल पूरी तरह से विषाक्त हो गया। अंत में मोहित ने निर्णय लिया कि अब वक्त आ गया है कि वह अपनी माँ और पत्नी के साथ बैठकर सुलह की कोशिश करे। उसने उन्हें समझाया कि दोनों को एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और एक दूसरे की मजबूरी और दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करनी चाहिए। धीरे धीरे समझ और बातचीत से दोनों ने अपने विवादों को सुलझाने की कोशिश की। कमला देवी ने भी समझा कि नई पीढ़ी की सोच अलग हो सकती है और राधा ने भी महसूस किया कि सास के अनुभवों का सम्मान करना जरूरी है। यद्यपि उनके बीच का रिश्ता पूरी तरह से सही नहीं हुआ, लेकिन एक दूसरे के साथ